और जो मन परेशान होगा वो ही नशा करेगा। आप जब भी परेशान हो इस ट्रिक को लगाइएगा, ये युवाओं के लिए है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्न मतलब चैलेंज जिससे आप भाग रहे हो। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है। नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। मैंने कहा ना, आपने देखना बंद कर दिया है। आप बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो और खा रहे हो गुटखा। आप सोच के देखो, आप बस सोचो कि आप 21 साल के नवयुवक हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उन पैकेटों पे, उनकी हिम्मत देखिए, उन पैकेटों पे उन्होंने फोटो बना दी है कैंसर के पेशेंट की। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई खाता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खाता हो तो आज आप एक मिनट उस पैकेट को देखिएगा जहां वो फोटो बनाए, बस आप गौर से एक बार उसे देखिएगा। तो जब सारा संचालन मन से होगा, सारा, तो शरीर से ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? मन पे। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप, अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में है, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब दो किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए, एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या, उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। तो अंबेडकर की एक किताब है, डॉक्टर अंबेडकर की, बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश। प्लीज आप कम से कम जीवन में ये दो किताब जरूर पढ़ी, एक इग्नाइटेड माइंड्स और एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल। और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार, वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। 5 साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। आप देखो, घर में कभी कभी डेथ हो जाती है और सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो बच्चे खेलते हैं वहां आपस में, उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो गया।
मतलब किसी की डेड बॉडी घर में पड़ी और बच्चे खेल रहे हैं, 15 साल के बाद आपकी जीवन में, हमारे जीवन में एक चीज शुरू होती है, उस चीज का नाम है चुनौती, चैलेंज। तभी तो रश्मि रथ में एक स्टैंजा है पूरा, आप सबको वो पढ़नी चाहिए। आप राजा बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दुनिया में, तो रश्मि रथ की वो लाइनें इतनी कीमती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती, इसका नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? सिकंदर की बात हो रही है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? भगवान श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। अब सोचिए, कवि खुद सवाल कर रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ क्वेश्चन मार्क, भूखंड विजेता कौन हुआ क्वेश्चन मार्क, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ क्वेश्चन मार्क, नवधर्म प्रणेता क्वेश्चन मार्क। कवि क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसको वो कर रहा है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न मतलब चैलेंज, जिससे आप भाग रहे हो। और आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मन को अपने जीवन से बाहर, आप उसको साइडलाइन करते हो। इस देश में ध्यान वो लोग करते हैं ज्यादातर जो बीमार हैं। मैं बाबा रामदेव के यहां गया था, तो वहां ज्यादातर वो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है। ये रोगियों के लिए नहीं है, ये युवाओं के लिए है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं। आप गौर से देखो, 50% लोग जो यहां खड़े हैं मिडिल क्लास के होंगे। अगर बहनें हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कैसे? मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरस में रहते होंगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा। ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट अभी करो, ये वही दौर है आपका, सब इससे गुजरते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप सोचो, जब आप 4-5 लोग रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो, जैसे आप अकेले होते होगे आपको बेचैनी शुरू हो जाती होगी। ये चीज इस यहां जितने लोग खड़े उसमें से 80% को होता होगा, गारंटी। आपको बेचैनी, आप चाहते हो कि बाहर निकल जाएं, अकेले ना रहें, नींद रात में नहीं आएगी। तो आप कहोगे कि रात भर मैं पढ़ता हूं। जब पलटते पलटते थक जाते होगे तब सुबह नींद आती होगी। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को। कहीं बीमारी हो गई, कहीं पेट में दर्द हो गया, किसी को माइग्रेन होगा। आजकल के सबसे बड़ा रोग माइग्रेन है। माइग्रेन इसीलिए कि सपने भी बड़े हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, और दोनों में लड़ाई चल रही है। ध्यान मतलब देखना, अपने आप को देखना। उसमें एक प्रक्रिया है। भारत में बड़े सारे सेंटर्स हैं, विपासना के सेंटर्स हैं। बुद्ध ने यह खोज की थी इस विधि की, विपासना की। विपासना का मतलब होता है आनपान सती, अपने आंख सांसों को आते जाते हुए देखना। आप जब भी परेशान हो इस ट्रिक को लगाइएगा, अपनी सांसों को देखिएगा। आपका मन क्या है यह आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं यह आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। मैं क्लास ले रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे, एक लड़का आगे ही बैठा था और 700-800 की क्लास थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर निकला, फिर आ गया। तो ऐसा होता रहता है, लड़के जाते रहते आते रहते, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 मिनट बाद वो फिर बाहर निकल गया। तो मुझे लगा इसका शायद तबीयत खराब होगी, फिर आगे बैठा।
फिर तीसरी बार जब वो उठा तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे बार बार लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। ये तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली एक विचार फेंक देगा, सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इसमें, इन बातों पे? नहीं किया होगा। ये ध्यान है उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा, मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है। सब आईएएस ही बन रहे, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं। सांसद भी बनना है और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। वही जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस? तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। ये जो मन का मरोड़ आपके अंदर चल रहा है ना, ये जो आप परेशान हैं, और जो मन परेशान होगा वो ही नशा करेगा। नशा की शुरुआत महान लोग कराते हैं जिनको हम दोस्त कहते हैं। उनको पता होता है कि नशे के रोल क्या है, जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज क्या है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको पकड़ेंगे और फिर आपको किसी ना किसी तरह से, लड़कियों को तो बहुत बचना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लड़कियों को पकड़ लेंगे, मॉडर्न वुमन। तो मॉडर्न वुमन क्या बनेगी? इंदिरा गांधी बनेगी, कल्पना चावला बनेगी, लक्ष्मी सिंह बनेगी। लक्ष्मी सिंह जी हमारे यहाँ की कमिश्नर हैं, बहुत धाकड़ आईपीएस ऑफिसर हैं वो, यूपी कैडर की। टीना दाबी बनेगी, निशा ग्रेवाल 23 साल की लड़की, 22 साल में उसका सिलेक्शन हुआ था, गांव से। रैंक आईएएस में, बिहार कैडर। वैशाली की एसडीएम, और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जितना सम्मान और जितना प्रेम आपको पिता आपका देगा उतना शायद हमारा समाज है, समाज की कुछ लक्षण है। हमारे यहाँ समाज में बहू से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। पता लगा आपकी शादी हुई तो माताजी ने कहा हम सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। 4 बजे? लड़कियों को तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं, उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा, लड़कों का तो इसलिए, मैं लड़कों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको बोलता भी हूं, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो ताकत है वो उसकी स्त्री पर ही डिपेंड करता है। हेलो बेटा। हेलो सर, माय नेम इज अनका सिंह एंड एक्चुअली मुझे परेड में जाना है, इसलिए मैं जो प्लीज बेटा प्लीज थैंक यू सर, एक फोटो ले लूं? ले लो। ये देखो ताकत। फैजल भाई फोटो की थी, हमें लगा डांटने आ रही। पहली बार हुआ है, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है, प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला है, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था और चले गए आईएएस की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था
दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे GDP इज रोलिंग एंड दिस। हमें लगा ये क्या बता रहे भैया, और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तन के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया IAS की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहां किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करिए, यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है, इस बात को डायरी में लिख लो। ये मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? वो फोर्ड ने, अमेरिका का व्यापारी बिजनेसमैन फोर्ड। उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स।